हेलो दोस्तों, मैं अंकुर चपराना आप सभी का लाइव अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी चल रही हैं, ये फॉर्म निकले हुए हैं, उनसे रिलेटेड बुक्स कौन से हमें पढ़नी है या कैसे हमें तैयारी करनी है, पूरी स्ट्रेटजी आपके सामने रखूँगा और एज अ स्टूडेंट कितना पढ़ सकता है या कितना सफिशियंट है उसकी स्ट्रेटजी मैं आपके सामने आज बताने जा रहा हूँ। तो उस चीज़ को फॉलो करना है और उसका रिजल्ट आप एक महीने के अंदर भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में देखें, एक महीने के अंदर आप कोई मॉक टेस्ट देंगे तो उसका रिजल्ट आप भी जब भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसका सिलेबस डिस्कशन करना होगा। सिलेबस की वीडियो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी, लेकिन आज मैं बताता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अब SSC एग्ज़ाम लेने लगी है। तो शायद ही कि कोई एग्ज़ाम ऐसा बचा जो जो SSC नहीं ले पा रही है, ठीक है। ऑनलाइन जब से एग्ज़ाम हुए हैं तो सारे एग्ज़ाम हमारी SSC ले रही है। तो सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा है GK या GS, ठीक है। दूसरा हम बोल लीजिए कंप्यूटर, इस बार से अलग है कंप्यूटर हमारा। और तीसरा है हमारा रीजनिंग और हमारा लास्ट है मैथ। देखिए, हम मान के चलते हैं हमारे पास अभी 100 दिन हैं, एग्ज़ाम के 100 दिन हमारे पास अभी हैं, तो उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे आपके साथ कि किस स्ट्रेटजी या क्या सोच एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, ठीक है। GS हमारी है 50 नंबर की है, कंप्यूटर हमारा है अलग से 10 नंबर, रीजनिंग हमारी 25 और मैथ है 15 नंबर, ठीक है। देखिए, ये जो पहली चीज़ है ना, GK या GS, ना तो आज तक कोई ऐसी बुक बनी कि जिसने सारी GK कवर करी हो, ना ही आज तक कोई ऐसे नोट्स बंदा बना पाया कि GK उससे बाहर ना गई हो, ना ही आज तक कोई ऐसा टीचर आपको पढ़ा पाया कि GS उससे बाहर नहीं गई हो, ठीक है। तो आप इसको 50 out of 50 टारगेट नहीं कर सकते, पहली बात जो सच बात है, 50 out of 50 टारगेट नहीं कर सकते। अगर इसमें आपने 30 नंबर अचीव किए हैं या आपका टारगेट है तो एक बहुत अच्छा टारगेट है 30 नंबर का, क्योंकि 30 नंबर से ऊपर जाना इसमें बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल, ठीक है। बंदे जाते हैं, 40 वाले भी जाते हैं, 45 से ऊपर तो 1-2% ही रेयर, बहुत रेयर केस है, लेकिन 40 तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट 30 नंबर अभी कर पा रहा है 50 में से, तो वेल गुड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर। हाँ, कंप्यूटर आप 10 out of 10 कर सकते हैं कोई से बुक से या अपने नोट से। रीजनिंग आप 25 out of 25 कर सकते हैं, या इसमें आप 2 नंबर और कम मान लीजिए 23, बस इससे कम आप नहीं कर सकते। एवरेज बंदा भी 23 नंबर कर जाएगा, दिल्ली पुलिस की रीजनिंग उस लेवल की नहीं आती है। मैथ आप 50 out of 50 भी करेंगे, ठीक है। 40, 10, 50 और 3 80, कोई सी भी कैटेगरी हो ना, कोई सी भी कैटेगरी, 80 से ऊपर कट ऑफ कभी नहीं जाएगी, कभी भी नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार 1/4 की। तो आप अगर 75 प्लस आपका स्कोर है ना, तो आप बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। ये तो बात थी हमारे नंबर की। अब हम बात करेंगे कि हमको पढ़ना कैसे है। देखिए, हर चीज़ के पढ़ने का एक अलग अलग है, अलग अलग आपका अंदाज होता है, अलग अलग हर बच्चे का पढ़ने का एक मन होता है और उसकी स्ट्रेटजी अलग होती है। लेकिन मैं एज़ अ स्टूडेंट भी रहा हूँ तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ कि सबसे अच्छा वे आपको कौन सा पढ़ सकता है या आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए, ठीक है। GK की बुक सबसे ज़्यादा कंपटीशन की GK की बुक है इस टाइम, GK की बुक बहुत हैं, कितनी भी आप ले लीजिए, कितनी भी आप पढ़ लीजिए, लेकिन बुक आपको वो लेनी है जो आप एक बुक को कम से कम 4 बार रिपीट कर पाएँ, ये बुक आपको लेनी है। जौन सी बुक को आप 4 बार रिपीट कर सकते हो वो बुक आपको लेनी है, मतलब छोटी बुक लेनी है, पतली बुक लेनी है। इसकी 2 बुक हैं, पहली आप एक आती है मनोहर पांडे, मनोहर पांडे, या एक अभी बुक लॉन्च हुई है रोजगार विद अंकित, ठीक है। इन दोनों बुक में से एक आप प्रेफर कर सकते हैं। मनोहर पांडे एक मोटी आती है, एक पतली आती है, एक 25 या 30 रुपए की आती है, 25-30 रुपए वाली मनोहर पांडे, उसको आप ले लीजिए अरिहंत की। उससे आप सब कुछ पढ़ेंगे, उसमें हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी,
सात के सात सब्जेक्ट होंगे, उसमें करंट अफेयर भी होंगे, ठीक है। लेकिन वर्जन आपको 2020 या 2021 आपको वर्जन लेना है उसका, मतलब पुरानी बुक नहीं लेनी है इसकी, तो इसमें आपको करंट अफेयर भी कवर कराएगी इस बुक में। हमारे दोनों ही बुक में मैं बता दूँ 150 से 200 पेज हैं बस, और सब कुछ कवर है। अंकित भाटी वाली बुक में जो है रोजगार विद अंकित भाटी, उसमें आपको सिर्फ जीके मिलेगी, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल एंड इको, ये चार मिलेंगे। उनकी जीएस की बुक अलग है, मतलब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक अलग है, तो उसके लिए आप अलग से वो बुक लेनी पड़ेगी। लेकिन जो मनोहर पांडे बुक है उसमें सब कुछ है, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। एक बात तो ये हुई कि अगर आपको बुक की पढ़नी है तो आप मनोहर पांडे जीके के लिए पढ़ सकते हैं पतली वाली, ठीक है। और हाँ, जिस दिन लेके बैठे उस दिन ये आपको निश्चित कर लेना है कि ये मुझे चार बार याद होनी है, चार बार ये मुझे रटनी है। और टाइम रख लीजिए कि हमें सिर्फ ये एक महीने के अंदर ये चार बार ये बुक रटनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बुक नहीं प्रेफर कर रहे तो आप अपने नोट्स, हैंड नोट्स जो हैं, हैंड नोट्स, चाहे वो दिल्ली पुलिस के नाम से हो या नहीं हो, दिल्ली पुलिस के लिए कोई अलग सब्जेक्ट नहीं बना, नहीं कोई अलग इतिहास है। हैंड नोट्स, आपने कभी यूपी पुलिस की तैयारी करी हो, एसएससी, जीडी, सीजीएल, एससीपीओ, कभी किसी की तैयारी करी हो, आपके पास हैंड नोट्स हैं तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उनको प्रेफर करने के बाद आपको एसएससी का एक नियम है कि एसएससी जो है ना, ये हर साल कम से कम 2500 से 4000 एग्जामिनेशन सेट बनाती है, ठीक है। जो एग्ज़ाम लेती है ना सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इनके एक एक मंथ एग्ज़ाम चलते हैं और दो या तीन शिफ्ट डेली होती हैं, तो उनमें 50 क्वेश्चन का डेली एवरेज लगाइए आप, 300 मतलब 50-100 क्वेश्चन डेली, 30 दिन में 300 क्वेश्चन, ठीक है। 300 क्वेश्चन और एक महीने में कितना हो गया, एक साल में 3600, मतलब इसी के बीच इतने क्वेश्चन हमारे जीके के वो बनाती है। लेकिन 2500 में से आपको अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो आपको यकीन करना है कि 4000 क्वेश्चन में से वो नेक्स्ट ईयर जब वो एग्ज़ामिनेशन लेगी तो 3500 क्वेश्चन वो लास्ट ईयर के देता है। एसएससी का ये रूल है, क्योंकि नए 4000 क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, तो वो क्या करते हैं, वो प्रीवियस ईयर से उठाते हैं। अब जो भी वो एग्ज़ाम लेती है, अगर वो इस साल हमारा सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है, मान लीजिए सीपीओ का नहीं, सीजीएल का एग्ज़ाम हमारा हुआ है, सबको पता है, नहीं पता था मैं बता रहा हूँ, सीजीएल का टायर वन एग्ज़ाम हुआ है, वो एक महीने लगभग चला, 30 दिन, 25 क्वेश्चन उसके हमारे एक सेट में आए, मतलब 50 क्वेश्चन डेली जीके के हमारे नए थे, ठीक है। 5 × 3 = 1500 क्वेश्चन, ठीक है, 1500 क्वेश्चन हमारे, और सॉरी हाँ 1500 क्वेश्चन हमारे एक महीने में सीजीएल के जीके के बने हैं, ठीक है। वो पिछला आंकड़ा थोड़ा गलत था, उसमें एक जीरो का दिक्कत थी, वो 40000 क्वेश्चन के लगभग थे, ठीक है, जो 4000 बोला मैंने, ये 40000, ठीक है। तो 1500 क्वेश्चन एक महीने में एसएससी ने बनाए ना, 1500 क्वेश्चन में से उन्होंने, अब जो रिपीट होगा अगर हमारे दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो उसके, अगर हमारी जीके 50 नंबर की है ना, तो उसमें से 7 से 10 क्वेश्चन इन 1500 क्वेश्चन में से होगा, अगर एसएससी एग्ज़ाम ले रही है तो, ठीक है। और सबको पता है एग्ज़ाम एसएससी ले रही है तो वो रिपीट होंगे 100%। तो आपको क्या प्रेफर करना है, इससे क्या हमको पता लगता है कि एसएससी के पिछली साल से, पिछले 2000 आप लगा लीजिए 18 से, या आप 17 से ले लीजिए, 2017 से 2020 तक के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या जो है हमारा एमटीएस, इनके प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए ना, उनकी आपको जीके और साथ ही साथ रीजनिंग, जीके और रीजनिंग, मतलब दो सब्जेक्ट आपको इन प्रीवियस ईयर से कवर करने हैं। आपको बुक कोई नहीं लेनी, अगर आपको बुक नहीं खरीदनी है तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाइए और प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर एग्ज़ाम डालिए, मतलब सीजीएल के, तो पीडीएफ की फॉर्म में आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड करने के बाद या तो अपने हैंड नोट बनाइए या उनका प्रिंट आउट निकाल कर उनको रिवाइज करिए। सबसे अच्छा तरीका तो हमारा जीके पढ़ने का या एग्ज़ाम क्रैक करने का ये है, एसएससी के लिए, तो अगर एसएससी कोई एग्ज़ाम ले रही है तो, ठीक है। और अगर आप बुक पर विश्वास करते हैं तो बुक को मैंने नाम बताया ही है, ठीक है। ये तो थी हमारी जीके की बात।
करंट अफेयर पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि करंट अफेयर पिछले साल हमारे ज़्यादा पिछले पेपर में ज़्यादा पूछे गए थे, तो इस साल चेंज होना ही होना है, ठीक है। तो करंट अफेयर पर इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन देना इतना है कि कोई ऐसी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना पाए, ठीक है, आपसे कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन छूट ना पाए, बस इतने करंट अफेयर पढ़ने हैं। कंप्यूटर के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं, आप नोट्स भी है, यूट्यूब चैनल कोई भी देख सकते हैं, मैं कराऊंगा उसको देख सकते हैं। कंप्यूटर के लिए बहुत बुक है, आप CBSE की बुक पढ़ सकते हैं, NCERT वाली, वो आपको बेनिफिशियल है, या कंप्यूटर के नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा उनको पढ़ सकते हैं, या कोई और कोचिंग सेंटर के नोट्स हों आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, या प्रीवियस ईयर भी आप इसको देख सकते हैं, ये कवर हो जाएगा। रीजनिंग की हमारी वीडियो चली रही है, उसको देखने के बाद रीजनिंग की वीडियो को आपको प्रीवियस ईयर ही उठाने हैं, पेपर जो प्रिंट आउट निकाले हैं उनसे आप जो प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैथ का मैं बताता हूँ, मैथ इसमें सिर्फ एडवांस आता है, अर्थमेटिक मैथ इसमें आता है, और अर्थमेटिक मैथ हमारा करीब 15 टॉपिक हैं, मतलब 30 दिन के हैं। इसकी अलग से क्लासेस होंगी, बेसिक क्लास होंगी, और जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप बेनिश्चित रहिए, मैथ कंप्लीट होगी, रीजनिंग कंप्लीट होगी, जी कंप्यूटर और GS सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। लेकिन अगर आपको एक अलग साइड से भी स्टडी करनी है, तो जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन आप जो हुए हैं उनको आप देखते रहिए, उनको पढ़ते रहिए, ठीक है, क्योंकि GS का कोई पोर्शन नहीं है जहाँ से पता लगती है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर करना है कि आपको 10-15 किताब नहीं देखनी है, सिर्फ एक किताब प्रेफर करनी है, और या तो अपनी किताब या अपने हैंड नोट्स, ठीक है। लेकिन किताब प्रेफर करते हैं तब भी प्रीवियस ईयर पढ़िए एक बार, अगर नोट्स प्रेफर कर रहे हैं तब भी आप एक बार प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन जो हुए हैं एग्ज़ाम उनको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इनकी हो गई बात पढ़ने की, और एक अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन होगा अगर आप यूट्यूब पर मुझे देख पा रहे हैं, तो एक ऐप होता है ग्रेड अप ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है। इसे इंस्टॉल करने के बाद ये आपसे एग्जामिनेशन प्रेफर करेगा, तो इसमें आप SSC भर सकते हैं, दिल्ली पुलिस भर सकते हैं, यस SSC जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हैं सब इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें डेली क्विज होती है, डेली क्विज 5 क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चन की, या 30 क्वेश्चन की, 30 से ज़्यादा की नहीं हो पाती, तो इसमें आप क्विज अटैम्प्ट करते हैं, उसके बाद आपको साथ के साथ पता लग जाता है कि आपके कितने गलत हैं या उसका करेक्ट आंसर कहीं क्या है। एक तो इसका बेनिफिट ये है, दूसरा इसमें आपके रैंक भी आती है, जैसे 13,000 बच्चे इस पे ग्रेड अप पर हैं, तो 13,000 ने टेस्ट दिया, तो आपको रैंक पता लगती है कि आप कितने पानी में हैं, मतलब एक ऑफलाइन की फीलिंग आती है कि आप हाँ इतने स्कोर कर पा रहे हैं, 13,000 बच्चों से आप कॉम्पिटिशन है, तो आप फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, ठीक है। तो आप ग्रेड अप ऐप को अभी इंस्टॉल कर लीजिए, अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करने के बाद इस पर डेली क्विज देना है, और अगर आपको गूगल पे भी वो एग्ज़ाम ना मिले, एग्ज़ाम जो लास्ट प्रीवियस ईयर SSC के थे, तो ग्रेड अप प्रोवाइड करता है, ग्रेड अप पे PDF मिल जाती है, आप इंडिविजुअली कोई सा सब्जेक्ट की PDF ले लीजिए, बहुत अच्छा ऐप है, बहुत ही बेनिफिट है इस ऐप का, बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। एक नोटिफिकेशन भी आते हैं, वैकेंसी जो अनाउंस होती हैं वो भी आती हैं, लाइव क्लासेस भी होती हैं अगर आपको लेनी हो, लाइव क्लासेस भी इस पर होती हैं ग्रेड अप पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर हमारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो होते हैं ना कि मॉक टेस्ट भी इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, मॉक टेस्ट भी आपको ग्रेड अप के करने हैं, एक अच्छा रिजल्ट है ग्रेड अप का, ठीक नाम है। तो आपको ग्रेड अप प्रेफर करना है, अपने फ़ोन में अभी इंस्टॉल कर लीजिए, और जब भी फ्री टाइम हो ग्रेड अप को आप यूज़ कर सकते हैं, बैठे बैठे 5-10 क्वेश्चन की आप क्विज दे सकते हैं, या तो GK की दे लीजिए खाली, इसमें ये भी एक मतलब इसका अच्छी बात है कि इसमें GK की अलग इंडिविजुअल अलग अलग इसकी क्विज होती हैं, जैसे GK की अलग हुई, कंप्यूटर की आप अलग दे सकते हैं, रीजनिंग की अलग, मैथ की अलग, ये आप सबकी एक साथ दे सकते हैं पूरा एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस का आप अलग दे सकते हैं, और दिल्ली पुलिस में बिल्कुल ऐसी शेड्यूल होता है जैसे आप एग्जामिनेशन बैठे हों, ऊपर टाइमिंग चलता होता है, नीचे क्वेश्चन एग्ज़ाम, फिर नेक्स्ट प्रीवियस और रॉन्ग राइट सब होता है, फिर लास्ट में एटलीस्ट सबसे लास्ट जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें आपका स्कोर कार्ड आता है रैंक के साथ, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऐप है, इसको आप प्रेफर करिए। GK क्लास लगातार होंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बार सिलेबस बता देता हूँ कि GK क्या सिलेबस रहने वाला है, कंप्यूटर रीजनिंग मैथ का अलग अलग सिलेबस बताऊँगा। सभी स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।